ये बताइए कि कल के पारे में से कौन सी बात ऐसी थी जो घर जाकर आपको दोबारा याद आई क्योंकि इंसान पढ़ता तो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता तो क्या याद रहा और की ताला में। जी हाँ जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है तो अल्लाह बाजुका तो उसको ऐसे फितरे में मुबतला कर देता है कि जिससे वो किसी ऐसी चीज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है जो उसके लिए वाले जान बन जाती है जी खैर से हमेशा खैर ही निकलती है खैर से शर नहीं निकलता इसलिए हमेशा खैर के रास्तों पर चलते रहे और कभी भी मायूस न हो फ़ौरी नतीजा ना भी निकले जी तो हिदायत की दुआ चाहिए। हमें हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा नफामंद दुआ हिदायत की दुआ है जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से अहद लिया था हमें भी अपनी औलाद से अहद लेना चाहिए कि हमारे बाद वो किस दिन पर रहेंगे किसकी इबादत करेंगे जी हाँ यानी आदम अलैहिस्सलाम के कोई बड़े बड़े गुनाह नहीं थे जिनकी पादाश में उनको जन्नत से निकाला गया था एक नाफरमानी थी एक लुकमा था जो ही उन्होंने मुंह में डाला जन्नत का लिबास उतरवा लिया गया तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो छोटा सा गुनाह है ये तो मामूली सी बात है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी इखलास और एहसान की बात भी हुई एक और दुआ मुसलसल मांगिए इस सारे अरसे में जब आप कुरान का मुताला कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इखलास और कबूलियत से रवाज आगाज में इखलास और एंड में कबूलियत कि जो हम कर रहे हैं खालिस्त तेरे लिए कर रहे हैं करते रहे हैं। और जब हम कर लें तो फिर तू इसे बूल भी फरमा जैसे इब्राहिम ने इख़लास के साथ काम का आवाज किया और उसके साथ कबूलियत की दुआ भी मांगी जी इन पत्थरों की मिसाल से जो बात की गई थी कि बाद पत्थर पानी जज्ब करते रहते हैं, करते रहते हैं और अपने अंदर जमा करते रहते हैं, फिर एक मखसूस वक्त आता है की वो फटते हैं तो उनकी खैर निकलती है बाजार यू लगता है की जैसे ये बस हार्ड रॉक है और इससे कोई खैर निकलने वाली नहीं तो इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को दूसरों के अमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए अपने लिए खुद कमाई करनी चाहिए जब इल्म आ जाए तो उसके बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए इल्म ही की पैरवी करनी चाहिए जजाको मल्लाउ खेरन मुझे बेहद खुशी हुई कि आपने की पॉइंट्स याद रखे यही वो चीजें हैं कि जिनको आम रोजमर्रा जिंदगी में हमें वक्तन फवक्ता इस्तेमाल करने की जरूरत रहती है अगर ये बातें याद रह जाएं तो इंसान के अमल में यकीनन तब्दीली आती है और अमल के वक्त अमल आसान हो जाता है क्योंकि सिर्फ इल्म हासिल ही नहीं करते जाना सिर्फ चटियल पत्थर ही नहीं बनना कि बारिश तेज पड़ती रहे और वो सारा दिल के सुबह तक खुश्क हो जाए नहीं उसमें से कुछ न कुछ जज्ब हो जाए और फिर वक्त पड़ने पर बाहर भी निकले क्या हमेशा ऐसा ही नहीं हुआ कि जब भी इन लोगों ने कोई पुख्ता अहद किया तो इनमें से एक न एक फरीक ने उसको फेंक दिया बल्कि इनके अक्सर लोग ईमान ही नहीं लाते और जब भी इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया उसकी तस्दीक करने वाला जो इनके पास है तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक फरीक ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया गोया के वो जानते ही नहीं तो याद रखिए किताब को पीठ पीछे फेंकना क्या है कुरान को पढ़ने से समझने से इसके ऊपर फिक्र करने से इस पर अमल करने से ज्यादा और चीजों की अहमियत देना हम सबको जायजा लेना चाहिए कि हमारे दिन का हमारे हफ्ते का हमारे महीने का कितना हिस्सा कुरान फहमी में गुजरता है क्योंकि जब तक तो कुरान को समझे नहीं ना तो पता नहीं चलता अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान की तिलावत अच्छी बात है सवाब का काम है लेकिन मकसद पूरा नहीं होता उससे कुरान का हिफ्स करना बड़ी सादत की बात है लेकिन मकसद पूरा नहीं होता उससे कुरान को समझना कुरान पर गौर फिक्र करना यह है वो मकसद जिसके लिए कुरान आया है और फिर गौरव फिक्र क्यों ताकि ये इल्म अमल में ढल जाए और जिंदगियां इसके मुताबिक हो जाएं, हमारी जिंदगियों से अंधेरे निकल जाएं अल्लाह तला ने किताब इसलिए उतारी लि जन्नासा नूर। ताकि तुम लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाओ तो कुरान समझना हम सबके लिए लाजम है हम सबके लिए जरूरी है और एक दफा तर्जमे से पढ़ लेना काफी नहीं उसको दोहराते रहना चाहिए और बेहतरीन मौका है अब इनशाला दोहरा कुरान के अलावा डेली की जो आप तिलावत करते हैं अगर लफसी तर्जा कुरान से आप करें तो उसका फायदा यह होगा कि आप अरबी पढ़ते जाएंगे जैसे जिन लोगों ने खासतौर पर कुरान पहले से पढ़ रखा है तर्जुमा याद कर रखा है लेकिन भूल चुके हैं फिफ्टी परसेंट भूल चुके हैं या सेवेंटी परसेंट भूल चुके हैं तो उसकी याद दिखानी के लिए वो नीचे भी निगाह डाल सकते हैं साथ साथ यानी तिलावत करते हुए मीनिंग भी साथ साथ देख सकते हैं तो उससे यह है कि इनशाला आपका फ्रेश हो जाएगा बहरहाल सुफियान अबने कहते हैं कि लोगों ने अल्लाह की किताब को रेशम और दीबाज के गिलाफों में दाखिल कर दिया इसको सोने और चांदी के साथ आरास्ता किया लेकिन इस पर अमल नहीं किया यही इनका किताब को पीठ पीछे फेंक देना है यानी वैसे उसे बहुत कीमती बना दिया लेकिन जिस मकसद के लिए वो किताब आई वो नहीं पूरा किया और बनी इसराइल तौर पर किस चीज के पीछे लग गए जरा देखिए और अपना जायजा लीजिए

दीन की असल तालीम को छोड़कर अगर कुरान पढ़ते भी हैं तो कभी जादू में इस्तेमाल करने के लिए कभी कोई ऐसे वजीफे बताने के लिए कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे और उसके पीछे लग गए जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं बस तुम जादू करके कुफर न करो बस लोग उन दोनों से ऐसा जादू सीखते जिससे मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डालते आज आप देखें ये मर्ज कितना आम हो चुका है कितनी ही खबीन है जो इसकी वजह से सफर करती हैं कि किसी करीबी रिश्तेदार किसी करीबी दोस्त किसी करीबी ने हस्बैंड के साथ नाचाकी का जादू कर दिया कि इनकी आपस में न बने हसद की बिना पर तो आप देखिए ये ट्रेड्स भी पिछली उम्मत में थे और आज मुसलमानों के अंदर भी ये चीज पाई जाती है कि हम किसी की नेमत को देख के खुश नहीं होते और यही हसद है और ये हसद ईमान के मुनाफी है मुत्तकी वो होता है जो दिल का भी साफ होता है वो दिल में किसी के खिलाफ कोई ग्रज बैर हसद कुछ नहीं रखता सबको माफ कर देता है हाँ किसी ने जो तकलीफ दी उसकी तकलीफ महसूस करता है क्योंकि बाजलों को जब मैं कहती हूँ ना माफ कर दे तो कहते वो तकलीफ नहीं भूलती वो तो होती रहेगी माफ करना एक अलग काम है और तकलीफ महसूस करना दूसरी बात है वो तो जितनी दफा तकलीफ महसूस होगी उतनी दफा अजर ही मिलेगा वो तो आपके अजर को बढ़ाने के लिए महसूस होती रहती है और जितनी दफा तकलीफ महसूस होगी इन्ना लीला पढ़ेंगे, तो पहली दफा जो चोट लगी थी और इन्ना लिल्ला पढ़ा था और ढेरों अजर समेट लिया था वो अजर फिर से वापस आएगा और अजर मिलेगा और अजर मिलेगा इसलिए किसी भी इंसान की तरफ से अगर आप हर्ट हुए हो तो उस हर्ट होने पर परेशान ना हो ये तो इंसानी फितरत का खासा है ना कि चोट लगे तो दर्द तो होती है पुराने जख्मों में भी दर्द निकल आती है जब बरसात का मौसम होता है तो फिर से उभर आते हैं तो इसी तरह मुख्तलिफ सिचुएशन में इंसान के अंदर वो दिल के जज्बात और दिल के ख्याल किसी खास चीज को देख कर ट्रिगर हो जाते हैं और इंसान दुख महसूस करने लगता है लेकिन ऐसे इंसान का दिल नरम होता है ये तकलीफे और दुख हमें नरम कर देते हैं लेकिन मोमिन बोझ नहीं रखता हसद नहीं रखता वो किसी पे जादू करने और किसी पे कोई ऐसी मुसीबत मुसलत करने की सोच भी नहीं सकता फिर फरमाया और वो अल्लाह के हुक्म के सिवा उससे किसी को कुछ भी नुकसान नहीं दे सकते थे और वो ऐसी चीज सीखते जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती और कुछ फायदा न देती और बनु इसराइल जानते थे कि जिसने ऐसी चीज को खरीदा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं और यकीनन कितनी बुरी थी वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला काश वो जानते होते तो याद रखिए कि जादू अपना असर रखता है लेकिन बेजनला तो हमें इस चीज के पीछे पड़ने के बजाय कि किसने जादू किया है या कोई जादू ना कर दे या खौफ ज्यादा रहे या डरे डरे रहे उसके लिए जरूरी है अपनी प्रोटेक्शन कर लें जब सर्दी आती है तो आप क्या करते हैं गर्म कपड़े पहन लेते हैं गर्मी आती है तो आप ठंडा का इंतजाम कर लेते हैं तो जब लोगों का हसद महसूस हो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दुआएं पढ़ लें सुबह शाम के असकार और दीगर जो दुआएं हैं हिफाजत की आयतल कुर्सी है रात को सोने के असकार हैं इनकी पाबंदी करें, कुछ भी हो अल्लाह का जिक्र ना भूलें अल्लाह का जिक्र एक महफूज किले की तरह है जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो प्रोटेक्शन में आता है एक फोर्ट में आ जाता है किले में आ जाता है और शर से महफूज हो जाता है कोई आपको कुछ भी नुकसान नहीं दे सकता तो बी कॉन्फिडेंट और अगर वो ईमान लाते नहीं जादू करने की बजाय ईमान लाते तकवा अख्तियार करते तो जरूर अल्लाह के हाँ कहीं अच्छा सवाब पाते काश वो जानते होते या आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो रहा न कहो और उनजुर ना कहा करो और गौर से सुना करो और इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है साहबा कराम को मजलिस के कुछ आदाब सिखाए जा रहे हैं कि मजलिस में बैठे हुए नबी वसल्लम से जब दोबारा बात पूछनी हो तो ना न कहो बल्कि लफ्ज़ बदल दो और उनजुर ना का लफ्ज इस्तेमाल करो क्योंकि ये लफ्ज़ जो था मिस यूज होने लग गया था यहूद आपकी मजलिसों में रायना को राईना कह के पुकारते हमारा चरवाहा नौजबिला मजाक उड़ाते थे आपका अपने अंदर का छुपा हुआ हसद जो था वो बयान करते थे तो अल्लाह ताला ने बजाय इसके कि तुम उससे लड़ो झगड़ो अपने अल्फाज तब्दील कर लो बहुत दफा ऐसा होता है ना कि लोग आपको किसी चीज पे टीज करने लगते हैं या आपको हकीर समझते हैं या बुरा भला कहते हैं तो ऐसे में आपको वो रास्ता बदल लेना चाहिए उन लोगों के साथ इंटरैक्शन कम कर लेना चाहिए बजाय इसके कि आप रोज लड़ाई करें उनसे फिर फरमाया अहले किताब और मुशरकिन में से जिन लोगों ने इनकार किया वो नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर नाजिल की जाए हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे बुलवा देते हैं तो हम उससे बेहतर या उस जैसी और ले आते हैं क्या आप नहीं जानते कि बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है क्या आप नहीं जानते कि बेशक अल्लाह उसी के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार अहले ईमान क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से इस तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल इससे पहले मूसा से किए गए और जो ईमान को कुफर से बदल डाले तो वो यकीनन सीधे रस्ते से भटक गया इससे ही पता चलता है कि बाज सवाल इंसान को कुफर तक भी पहुंचा सकते हैं अहले किताब में से बहुत से लोग अपने नफ्सों के हसद की वजह से यह चाहते हैं कि काश तुम्हारे ईमान लाने के बाद वो तुम्हे काफिर बना दे बाद इसके कि उन पे हक जाहिर हो चुका है तो तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है और नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो और जो खैर भी तुम अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे अल्लाह के हाँ पालोगे सुभान अल्लाह यानी बाजहत हम नमाज पढ़ लेते जक़त दे देते उसके बाद समझते है की क्या हुआ फर्ज अदा हो गया बस अब हम दुनिया के लिए आजाद है दुनिया में मशहूल है खूब इंजॉय कर रहे हैं नमाज का वक्त हुआ जल्दी से जाकर चार टकरे मार के वापस फिर दुनिया को इंजॉय करना शुरू कर दिया और भूल गए कि नेकी के और भी बहुत से काम है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वह अकीम उज्सलात वत उस और उसके बाद छोटी नेकी बड़ी नेकी जो भी खैर का काम करोगे और उसमें फिर वो याद कर लीजिए जाहिर बातनी अकबाल अफाल जो भी कुछ करोगे उसे अल्लाह के यहाँ पालोगे वो तुम्हारे अमाले में तुम्हारे सामने आ जाएगा तक एक डॉट भी नजर आएगा तुम्हें तो इसलिए मोमिन नेकियों का हरीस होता है नेकियों की तरफ दौड़ता है फंसता बिलकुल खैरात वो इसलिए नहीं पीछे रहता कि लोग तो कोई नेकी करते नहीं तो मैं क्यों करूं नहीं मुझे अपने लिए करना है वो अच्छी मिसालों को अपने सामने रखता है वो नेकी में अपने से आगे वालों को फॉलो करता है पीछे वालों को नहीं पीछे वालों को फॉलो करने वाला कहाँ रह जाता है पीछे रह जाता है और जो आगे जा रहे हैं साबिकून तक जाना है। बेशक अल्लाह खूब देखने वाला है जो भी तुम अमल करते हो और उन्होंने कहा हरगिज जन्नत में दाखिल न होगा मगर वो जो यहूदी हो या नसरानी ये उनकी आरजुए हैं। कह दीजिए लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो वो आपस में भी एक दूसरे को जहनमी करार देते रहते थे और खुद को जन्नत का मालिक समझते आज आप देखे मुसलमानों के अंदर भी अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि मुख्तलिफ फिर बन चुके हैं क्योंकि ये दो नाम भी फिर वारा ना नाम थे और सिर्फ हर कोई अपने फिरके वाले को जन्नती समझता है अपना जन्नती भाई और बाकी सब जहन्नमी तो इस तरह के जन्नत जहन्नम के फतवे नहीं लगाने चाहिए ये अल्लाह को पता है कि किसका मकाम क्या है हमें फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है अपनी रजा को पाने के लिए और वो यहाँ बता दिए बला क्यों नहीं मन असलमजहू ला वहसिन फलाहू अजरूहू इंदर अबी वन अल्मनून जिसने अल्लाह के लिए अपना चेहरा झुका दिया हुक्म सुना सरे तस्लिम खम अल्लाह लब अल्लाक आपने हुक्म दिया मैं करके ही दम लूंगी और वो मोहसिन भी हो नेकी करता चला जाए तो उसका अजर उसके रब के पास है ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा ना वो ग़मगीन होंगे खौफ और गम दो बड़ी मुसीबतें इनसे निजात के लिए इंसान के अंदर इख़लास और एहसान की रविश होनी चाहिए तो आयत नंबर वन ट्वेल्व में इख़लास और एहसान का सबक दिया गया है और यही अमाल की कबूलियत का बायस है और यहूद ने कहा कि नसारा किसी चीज पर नहीं और नसारा ने कहा यहूद किसी चीज पर नहीं हालांकि वो किताब पढ़ते हैं और इन्ही की तरह बात उन लोगों ने भी कही जो इल्म नहीं रखते पश्यामत के दिन अल्लाह इनके दरमियान इस मामले में फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते लोग एक दूसरे को गुमराह करार देते रहते हैं और समझते हैं कि वो तो किसी नेकी खैर और भलाई के काम पे नहीं है और हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो बात यह है कि अल्लाह ही इसका फैसला करेगा कि हकीकत में नेकी के काम कौन करके आया है तो इसलिए अल्लाह की किताब से मालूम करें और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करें बनिस्बत इसके कि अपनी ख्वाहिशात मबनी बातें करके दूसरों को गुमराह करार दें और उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम जिक्र किए जाने से रोके और उनकी वीरानी के लिए कोशा हो यही वो लोग हैं कि इनको जेब नहीं देता कि वो उनमें दाखिल होते मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रसोई है और आखरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है तो इंसान को दुनिया और आखरत की रसोई से बचने की दुआ करनी चाहिए अल्लाह अहसिन कुल व मिन निजिय दुनिया व अजाबिला याद रखिए यहाँ तमबीह की गई है कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह का जिक्र किया जाए और उसमें ऐसे काम न किए जाए कि जिससे मस्जिदें वीरान हो आपस के झगड़े और लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाना कि जिसकी वजह से लोग बददिल होकर मस्जिद जाना ही छोड़ दें और अल्लाह ही के लिए है मशरक और मगरब तो जिस तरफ भी तुम रुख कर लो बस उधर ही अल्लाह का चेहरा है बेशक अल्लाह वसत वाला और बहुत इल्म वाला है और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया है पाक है वो बल्कि उसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है वो सब उसकी फर्मा बरदारी करने वाले हैं सुबह अल्लाह हर चीज अल्लाह का कहना मानती है अपने आप से पूछे हम क्या ऐसे हैं हम भी मानने वालों में शामिल हैं वही आसमानों और जमीन का नए सिरे से पैदा करने वाला है और जब वो किसी काम के करने का फैसला कर लेता है तो सिर्फ यही कहता है कुन भून हो जा और वो हो जाती है यह अल्लाह की ताकत और इसके बराबर कोई भी नहीं कोई और ऐसा नहीं कर सकता और उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी ही क्यों नहीं आ जाती इसी तरह की बात उन लोगों ने कही जो इनसे पहले थे इन सब के दिल आपस में मिलते जुलते हैं बेशक हमने निशानियां बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं इन्ना अरसलना कबिल हकी बशीरम वो लात सलोन असहाम बेशक हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा ये है मोहम्मद सल्लाम जो अच्छा करने वालों को खुशखबरी सुनाते हैं और बुरा करने वालों को डराते भी हैं क्यों डराते हैं ताकि वो बुराई से बाज आ जाए और साथ ये बताया गया कि असहाबुल जहीम जानना वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वो वहां क्यों पहुंचे और यूदो न सारा आपसे हरगिज़ राजी न होंगे, जब तक कि आप उनकी मिल्लत की पैरवी न करें। कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है यानी ये दरअसल दो फिरका वाराना नाम थे आज भी आप देखिये मुसलमानों के अंदर हर फिरका अपनी तरफ बुलाता है कि तब तुम हिदायत पे होगे जब हमारे तरीके पे आ गए तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुल इन्ना हद्ला हुदा कह दीजिए अल्लाह की हिदायत दरअसल हिदायत है यानी अल्लाह की किताब और सुन्नत ये दरअसल हिदायत है और अगर आपने अपने पास इल्म आ जाने के बाद इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की यानी लोगों की बातों पर चलते रहे तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार तो इल्म आने के बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए और ख्वाहिश के पीछे चलाना ये शैतानी जाल होता है दरअसल और इसकी अलामात क्या होती है कि कोई शख्स शैतान के फंदे में फंस चुका है नंबर एक वो नियमतों पर मगरूर होता है नियमतों पर बड़ा गुरूर होता है उसको कि मेरे पास ये और ये है चाहे वो इल्म का गुरूर हो चाहे माल का हो चाहे हुसन का हो ये नापसंदीदा है नंबर दो अल्लाह के अतिये पर फखर करता है बोस्टिंग भी करता है नंबर तीन अल्लाह के बंदों पर तकबर करता है उनको हकीर समझता है और नंबर चार अल्लाह का हुक्म मानने के बजाय अपनी मनमानी करता है अपनी मर्जी पे चलता है फ उला खासिर जिन लोगो को हमने किताब दी वो उसकी तिलावत करते है जैसा की उसकी तिलावत करने का हक है यही लोग इस पर ईमान रखते है और जो इसका इनकार करते है दरअसल वही लोग खसारा पाने वाले है तो तिलावत का हक क्या है सिर्फ अच्छे मखारज और तजवीज से पढ़ना ही नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना हलाल को हलाल हराम को हराम ठहराना मुतशाब हाथ पर ईमान और महकम पर अमल करना फिर फरमाया बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की और बेशक मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी थी और डरो उस दिन से जब कोई नफ्स किसी के कुछ काम ना आएगा न किसी से बदला कबूल किया जाएगा न कोई सफारिश फायदा देगी न ही वो मदद दिए जाएंगे और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों के साथ आजमाया तो उसने उनको पूरा कर दिखाया अल्लाह ने कहा बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ जो इम्तिहान में पास हो जाता है वही लीडरशिप के लायक होता है उसने कहा और मेरी औलाद में से तो ये वरसा ट्रांसफर नहीं होता अल्लाह ने फरमाया मेरा अहद अहालिमों को नहीं पहुंचता और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए लौट कर आने की जगह और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो और हमने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सज्जा करने वालों के लिए पाक रखो मसाजिद को पाक रखना चाहिए और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान लाए उनको फलों में से रिस्क ता फरमा अल्लाह ने कहा जिसने कुफर किया मैं उसको भी थोड़ा सा फायदा दूंगा फिर उसको आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो कितनी बुरी जगह है लौटने की और जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें ऊंची कर रहे थे अल्लाह का घर तामीर कर रहे थे फिर भी दुआ कर रहे थे क्या ऐ हमारे रब हमसे ये कबूल कर ले बेशक तू ही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है मोमिन अमल करने के बाद कबूलियत से डरता है या कबूल भी हो जाए और इसमें इन दो अजीम शान पैगम्बरों की आजी की दलील भी है हमें भी नेकी के बड़े से बड़े काम करके हम्बल रहना चाहिए ऐ हमारे रब हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक ग्रोह को अपना फरमा बरदार बना और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा और हम पर मेहरबान हो जा बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है फिर आप देखिये मजीद दुआए ये इमारत तो हम बना रहे हैं हमें भी इतात की तौफीक देना क्योंकि बाज अकत हम बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या करते हैं वहां हार्डली कभी जाते हैं या वहां तालीम का सिलसिला कम ही को शुरू करते हैं वो बेचारी सारा दिन खाली पड़ी रहती है बे पड़ी रहती है तो नस्जिद बनाना ही बड़ा काम नहीं उसको आबाद करना भी एक काम है और फिर वहाँ दुआएं मांगना इबादत करना अल्लाह का जिक्र करना और खसूस तौबा करना इब्राहिम सलाम एक विजनरी थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए दुआ नहीं मांग रहे थे वो आने वाली नस्लों के लिए दुआ कर रहे थे क्या मांग रहे थे रबना वबा रसूलू अली हिम आया ए हमारे रब इनके अंदर इन्ही में से एक रसूल भेज दे जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे इनका तस्किया करे बेशक तू ही गिब बहुत हिकमत वाला है सुबह अल्लाह अपनी नस्ल और अपनी औलाद की फिक्र में क्या मांगा एक रसूल मांगा जो आए और उनको तालीम दे किताब की तिलावत करे उनके सामने उनको किताब की तालीम दे उन्हें हिकमत सिखाए उनका तजकिया करे अंदर बाहर से उनको साफ करे आप अपनी औलाद के लिए क्या दुआ मांग रहे है क्या मिले उनको आपकी जिंदगी में और आपके बाद कहते आप अपनी जिंदगी में इनकी बहारे दिखा देना इनकी शादी हो जाए इनका कारोबार अच्छा हो जाए इनकी डिग्री अच्छी हो जाए इनको आगे औलाद से नवाजना वगैरह वगैरह इससे आगे कि इनकी दीन की तालीम का को भी कोई इंतजाम हो जाए और इनकी नस्लों को भी ईमान पर कायम रखना ये पहली दुआएं बुरी नहीं है ना मैं इनका कोई मजाक उड़ा ये भी मांगे रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनता व फिल आखिरती लेकिन इब्राहिम सलाम ने अपनी औलाद के मुस्तबिल की फिक्र की इनके लिए तालीम का बंदोबस्त हो आज हमको भी सोचना चाहिए क्या हमने अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम किया उसके लिए इतना माल खर्च किया फिक्रमंद हुए मेहनत की तकलीफ उठाई जितना हमने उनकी दुनिया के लिए फिक्र की और कौन है जो मिलत इब्राहिम से बेरगबती करे इस तरीके से कौन फिरे मगर वो जिसने खुद को अहमक बना लिया हो सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहा है बेशक हमने उसको दुनिया में भी चुन लिया था और यकीनन आखिरत में भी वो जरूर सालिन में से होगा जब उसके रब ने उससे कहा फर्मा हो जा असलम अला असलम तुले रब्बालमीन तो उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए फर्मा हो गया और इब्राहिम सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब अल्लाम ने भी क्या कहा या बनी या इन अल्लाह हस्तफाकुमुद्दीन अफला तमु तुन्ना अल्ला अंतुम मुस्लिम ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है बस तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो आज हम सब के लिए ये दुआ कितनी जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे और सिर्फ दुआ ही ना मांगे बल्कि उनसे इस बात का अहद लें उनको इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि तुमने इस जगह पर रहते हुए अपने ईमान की हिफाजत करनी है सिर्फ अपनी नहीं अपने आइंदा आने वाली नस्लों की भी और ये चीज बचपन से उनके अंदर डालें ड्रिल करें उनके अंदर डाल दें कि इस्लाम के बगैर निजात नहीं कि हालत ईमान में मौत आए और मौत तक रब की इबादत करते रहे मरते दम तक फराइज की पाबंदी करते रहे क्या भला तुम मौजूद थे जब याकूब के पास मौत हाजिर हुई जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे आपने कभी पूछा अपने बच्चों से कि हमारे बाद किसकी इबादत करोगे उन्होंने कहा हम आपके इलाह और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलहम के इलाह की इबादत करेंगे जो एक ही इलाह है और हम उसी के फर्मा बरदार हैं वो नहन मुस्लिम इब्राहिम ने क्या कहा था असलम तुल रबालमीन तो औलाद ने भी क्या कहा नहन मुस्लिम तिल का उम्मलत लामा का सबत वल कु जमात थी जो गुजर चुकी उसके लिए वही है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वही है जो तुमने कमाया और तुमसे सवाल न किया जाएगा उसके बारे में जो वो अमल करते थे यानी पहले बुजुर्गान तो गुजर गए अच्छे काम करके वो तो अपने साथ नेकियां समेट कर ले गए आज अगर हम सिर्फ इस पे फखर ही करते रहे कि हम उनकी नस्ल से हैं या उनकी मिल्लत से हैं या उनके तरीके पर हैं, तो इतना काफी नहीं जब तक कि वो काम ना करें जो उन्होंने किए और सबसे पहले उस तोहीद का ऐलान जो उन्होंने किया नसारा तहतदू और उन्होंने कहा कि यहूदी या नसरानी हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे जैसे आज मुसलमान मुख्तलि फिरकों का नाम लेकर कहते हैं के इस फिर में यह ग्रोह में दाखिल हो जाओ तो हिदायत पाओगे कुल बल मिल्लाता इब्राहिम हनीफा वह दीजिए बल्कि इब्राहिम का तरीका जो यकसू थे और मुश्रकों में से न थे तोहहीद का तरीका एक अल्लाह की इबादत का तरीका कूलू सब कह दो कूलू उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा सब कहो अमन्ना आप पढ़ सकते शायद को सब मिलके पढ़िए उलू आमन्ना मन्ना बिल्ला वमा उन्जिला इलाइना वमा उन इला इब्राहिम इसमाइल व इसहाति अमूसा व ईसा वमा ऊतीबी न मरबीम लालू फर्रक बीना अहद मिनहुम व नहन मुस्लिमून सब कहो की हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया इन किताबोसन्नत और जो इब्राहिम और इसमाइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया और जो मूसा और ईसा लम्सलम दिए गए और जो दीगर अम्बिया को उनके रब की तरफ से दिया गया हम उनमें से किसी एक के दरमियान कुछ फर्क नहीं करते सब की इज्जत करते है सबको रसूल मानते हैं और हम उसी के फर्मा बरदार है आज इस प्लेनेट पे सिर्फ मुसलमान वो मत हैं कि जो सारे के सारे अंबिया को मानते हैं और इसी से दीन मुकम्मल होता है किसी एक नबी का भी इनकार सबका इनकार बन जाता है तो अंबिया अलमसलाम ने अपने फॉलोअर्स को अपनी औलादों को सही ईमान लाना भी सिखाया फ इन आमन ऊबलिम भी फक और अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान ले आए जिस तरह, तरह तुम ईमान ले आए हो तो हकीकत में वो हिदायत पा जायेंगे और अगर वो मुंह फेर ले तो बेशक वो जिद में है और अन करीब इनके मुकाबले में अल्लाह जरूर आपको काफी हो जाएगा और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है सिबगत वा मन अहसन मिन सिबगा वो नहन आबिद अल्लाह करंग यानी अल्लाह का दीन ये अपना लो और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है अल्लाह के दीन से खूबसूरत कौन सा तरीके जिंदगी हो सकता है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो हालांकि वही हमारा और तुम्हारा रब है और हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं और हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इसमाइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे यानी क्या वो किसी खास फिर से ताल्लुक रखते थे कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो इस गवाही को छुपा ले जो अल्लाह की तरफ से उसके पास है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे हरगिज गाफिल नहीं दिल का उम्मत उनहासबत वुम वो लुस्लू नम्मा का नू या मलून ये एक जमात थी जो गुजर चुकी उसके लिए वही है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वही है जो तुमने कमाया और तुमसे सवाल न किया जाएगा उसके बारे में जो वो अमल करते थे ये आयत दोबारा दोहराई गई है क्यों कि इंसान दूसरे के अमल पर भरोसा न करे ये ना कहे हमारे माँ बाप बहुत नेक थे या हम मोहम्मद सल्लाह की उम्मत में से है हर इंसान अपने अमल का जवाब दे है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कमाया कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा हर नफ्स अपने अमल का बदला खुद पाएगा किसी से दूसरे के अमल का सवाल न होगा कोई इंसान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा क्यामत के दिन हसब नसब फायदा न देगा व आखिर उदावाना अनिल कसीरा ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى ली ही व असहाबी ही वह राहिमीन इलाही अलायामीन मैं तमाम बहनों से गुजारिश करूंगी कि इस पारे के कम अज कम तीन एक्शन प्वाइंट अपनी डायरी में लिख लीजिए और कल भी आप अपनी डायरी और पेन जरूर लाइए कुछ न कुछ नोट्स जरूर लीजिए ताकि रमजान के बाद भी आपको यह फायदा दें इनशाला लॉन्ग टर्म फायदा दें सुबह नकल बिह हमदिका अशद अल्लाहता अस्त फिर व अतुबालाई